हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स कंप्लीट हो चुका है, आज आपका टेस्ट है। आपने क्या अभी तक सीखा है इसका एक टेस्ट तैयार किया है हमने, और इस टेस्ट में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें पूरे चैप्टर को कवर करने का प्रयास किया है। मींस अगर आप ये 6 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इट मींस ऑलमोस्ट आपको जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से है। तो आइए देखते हैं इन 6 क्वेश्चंस को। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा गया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तरह से। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस 3825 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स है 510 एंड 92 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। यहां पे हमारे पास टू नंबर्स गिवन है और उनका एचसीएफ गिवन है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो ये आपको प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन, मीन्स लॉन्ग डिविजन इस तरह से हमें नहीं करना है जैसे हम करते हैं आमतौर पर, हम डिविजन करते हैं इस तरह से नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं यूज करनी है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15 डिवाइड बाय 1600। तो हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है 15 डिवाइड बाय 1600 की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं, लेकिन उससे पहले आपको देखना होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो कोप्राइम होने चाहिए। अगर कोप्राइम नहीं है तो जो फैक्टर कॉमन है उससे डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसके बाद इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको प्राइम फैक्टर उसके बनाते हैं, और वहां से हमें पता चलता है कि जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर उसमें पावर्स ऑफ टू और पावर्स ऑफ फाइव और बोथ, पावर्स ऑफ टू और पावर्स ऑफ फाइव और बोथ ये आए तो टर्मिनेटिंग है। अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है या किसी और फैक्टर की पावर आ जाती है तो फिर टर्मिनेटिंग नहीं है। तो इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, इन 6 क्वेश्चन से पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है वो कवर हो जाता है। आपको करना है इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये आपका 30 मार्क्स के लिए एक टेस्ट है। इसमें से आप क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारा प्रूव करना है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 इसके जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो यहां से इन 6 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर फर्स्ट की आपकी कितनी तैयारी है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।